हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए उनकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। किस प्रकार से देखते हैं सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाते हुए नजर आएंगे? मैं धन्यवाद करूंगा माननीय सीएम साहब का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने जिम्मेदारी देने का काम किया है और पूरी लगन और निष्ठा से काम करते हुए इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और हम सबसे पहले तो हमारा जो डिपार्टमेंट्स है जी, इनकी सभी निखारने का काम करेंगे। लोगों को एक विश्वास होगा कि ये जो डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, लोगों को एक बढ़िया अच्छे रोड्स देने का काम करेंगे, बढ़िया इंफ्रा देने का काम करेंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ की जहाँ तक बात है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे वो पीने के पानी की बात है, हम तमाम उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे ताकि लोगों को जो मूलभूत जरूरियात है वो उनको तक ठीक तरीके से पहुंच पाए। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत हर एक गांव के अंदर पाइपलाइनें बिछाई गई है। अमृत योजना के तहत शहरों के अंदर भी पाइपलाइनें बिछाई गई है। जहां कोई कमी रह गई वहां हम पाइपलाइनें बिछाने का भी काम करेंगे और जो हर घर नल में स्वच्छ जल का सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे। पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी दोनों ही विभाग ऐसे हैं जो जनता के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। कई बार देखने को मिलता है अधिकारियों की लापरवाही के चलते के नुकसान लोगों को झेलना पड़ता है, तो ऐसे अधिकारियों के लिए कोई सख्त संदेश आप देना चाहें? देखिए, क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छे क्वालिटी के चाहे रोड्स की बात हो और चाहे जो सीवर पानी की बात हो, वो उसको सुनिश्चित करेंगे कि ठीक तरीके से वो पहुंचे। कोई भी अधिकारी इसमें अगर कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसे कोई किसी प्रकार का जो समझौता नहीं होगा। इसलिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे भी दिए गए हैं मीटिंग बुला करके, क्योंकि कल एक बारी माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, माननीय सीएम साहब की भी और मेरी भी उनके साथ मीटिंग है, उसके बाद आकर के अधिकारियों को मीटिंग बुला करके और सख्ती से सबको कह दिया जाएगा और कहीं भी कोई भी जो है कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सरकार को जिस तरीके का मैंडेट प्रदेश की जनता ने दिया, जहाँ खुशी की बात है, वही हमारे लिए एक चुनौती भी है। हमारे लिए हमारे पे एक विश्वास जो लोगों ने किया है, उस विश्वास को भी कायम रखने का काम हम जो है वो करेंगे। मंत्री जी, एक इन दिनों में एक चर्चाएं खूब चलती हैं पॉल्यूशन को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर लगातार पूरे देश भर में चर्चाएं होती हैं। वहीं दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो सिर्फ हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हरियाणा में पराली जलाई जाती है जिसका प्रदूषण दिल्ली तक पहुंचता है, तमाम दिल्ली वासियों को नर्क की जिंदगी झेलनी पड़ती है। इस प्रकार के बयान जो है वो लगातार दिल्ली सरकार के आते हैं। दिल्ली सरकार अपने आप को सुधारने का काम करें, उनके जो अपने कदम उठाने का काम करें। केवल और केवल हरियाणा को कह देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हरियाणा सरकार इस बारे में सचेत भी है, सावधान भी है और पिछले साल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की थी कि पराली प्रबंधन का अगर कार्य कहीं से सीखना हो तो हरियाणा सरकार से सीखे। अच्छा प्रबंधन हमने करने का काम किया। हम आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि कोई भी अपनी पराली को ना जलाए और उसके लिए सरकार पैसा भी देती है उसके प्रबंधन के लिए। और पराली जलाने से जहाँ प्रदूषण फैलता है वहीं ज़मीन भी खराब होती है। इसलिए मैं उन किसान भाइयों का धन्यवाद भी करूँगा जिन्होंने मानने का काम किया है और अब पराली के बहुत कम मामले जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है, और जो है उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के मामले जो है ना आए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। रणबीर गंगवा साहब थे और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है, सबसे पहली चीज तो जो भी विभाग इनके पास उन विभागों को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और अधिकारियों को सख्त संदेश भी ये देते हुए नजर आए, किसी प्रकार की कोताही जो है, किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी और तमाम कर्मचारी और अधिकारियों को ढंग से काम करना होगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज़।